हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिटर थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ITI में अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आपकी ट्रेड जो है फिटर हो, कारपेंटर हो, टर्नर हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हम उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल की हमारे वीडियो की अपडेट जितने भी मॉडल पेपर हों आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धातु स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के साथ साथ कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है। जी हाँ, कौन सी धातु है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है कोरोजन रेजिस्टेंट धातु भी है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है सीसा, सी है क्रोमियम, डी है स्टेनलेस स्टील। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील। तो साथियों, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें अगर आप तैयारी कर रहे हैं ITI की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनी मेटल में निकेल तथा तांबे का अनुपात कितना होता है। जी हाँ, जो मनी मेटल होता है उस मेटल में जो निकेल और तांबे का अनुपात होता है कितना होता है। ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 2:1, सी है ऑप्शन 3:1 और ऑप्शन डी है 4:1। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, 2:1। मनी मेटल में जो निकिल और तांबे का अनुपात होता है वह 2:1 होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और किसी भी प्रकार से आपसे सिलेबस में कोई भी दिक्कत हो तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक आक्रमण का उच्च प्रतिरोधी धातु कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्न में से जो रासायनिक आक्रमण का उच्च प्रतिरोधी धातु है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है जिंक, बी है निकिल, सी है तांबा और डी है क्रोमियम। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन बी, निकिल होता है। जी हाँ, निकिल जो होता है वह रासायनिक आक्रमण का उच्च प्रतिरोधी धातु माना जाता है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमाइजिंग में क्रोमियम पाउडर को कितने तापक्रम पर बेक किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रोमाइजिंग में जो क्रोमियम पाउडर है उसे हम कितने तापक्रम पर जो है बेक करते हैं। ऑप्शन ए है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी ऑप्शन है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन डी है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जी हाँ, क्रोमाइजिंग में जो क्रोमियम पाउडर को हम बेक करते हैं साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बेक करते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोराइजिंग विधि में कौन से धातु की परत चढ़ाई जाती है। जी हाँ, जब हम क्लोराइजिंग करते हैं तो इस विधि में हम धातु के ऊपर जो है किस धातु की परत को चढ़ाते हैं। ऑप्शन ए है सिल्वर की, बी है एल्युमिनियम की, सी है दोस्तों जिंक की और ऑप्शन डी है निकल की। तो क्लोराइजिंग विधि में हम साथियों किस धातु की परत चढ़ाते हैं। राइट आंसर होगा आपका बी, एल्युमिनियम की परत को हम चढ़ाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इससे लगे आपके दोस्तों को हेल्प मिले तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग के पूर्व चादरों से रुच जंग को अलग करने के लिए प्रयुक्त ब्रश का प्रकार है। जी हाँ, पेंटिंग के पूर्व जो चादरों से रुच जंग को अलग करते हैं उसमें किस प्रकार के हम ब्रश का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है काठ ब्रश, ऑप्शन बी है नायलॉन ब्रश, ऑप्शन सी है तार ब्रश और ऑप्शन डी है पेंटिंग ब्रश। तो किस प्रकार का ब्रश का इस्तेमाल करते हैं साथियों हम पेंटिंग करने से पूर्व। तो साथियों आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, तार के ब्रश का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट इंच में होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि एक माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है इंच में कितना होता है। ऑप्शन एक है 0.1 इंच, ऑप्शन बी है 0.01 इंच, ऑप्शन सी है 0.001 इंच, ऑप्शन डी है 0.0001 इंच। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी,
0.0001 इंच, और मिलीमीटर में जो होता है दोस्तों 0.001 मिलीमीटर होता है। आप इसको तैयार कर लें, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में, और अगर आप कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो आपके इंटरव्यू में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामान्यतः किस माप का हाइट गेज अधिक प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सामान्यतः जो है हम किस माप का हाइट गेज सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए है 50 मिलीमीटर का, ऑप्शन बी है 100 मिलीमीटर का, ऑप्शन डी है सी है दोस्तों 300 मिलीमीटर का, और ऑप्शन डी है 500 मिलीमीटर का। तो सामान्य रूप से हम जो है हाइट गेज को प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी 300 मिलीमीटर का हाइट गेज हम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। जी हाँ, वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है दोस्तों वह कितना होता है। ऑप्शन ए है 0.01 mm, ऑप्शन बी है 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 0.002 मिलीमीटर। तो साथियों, जितने भी प्रकार के आपके वर्नियर हाइट गेज हो या वर्नियर कैलिपर हो, तो उनके जो दोस्तों अल्पतमांक होते हैं, जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है मीट्रिक प्रणाली में, और ब्रिटिश प्रणाली में जो होता है वह होता है 0.0001 इंच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेट पंप कितनी गहराई से पानी निकाल सकता है। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जेट पंप जो है कितनी गहराई से पानी को निकाल सकता है। ऑप्शन ए है 180 फुट, ऑप्शन बी है 580 फुट, ऑप्शन सी है 380 फुट, और ऑप्शन डी है 280 फुट। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ए 180 फुट। जी हाँ, जेट पंप जो है 180 फुट की गहराई से जो है पानी को निकाल सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपके सिलेबस से तो कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।